इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त एक और बड़ी न्यूज ये कि महाराष्ट्र में एक मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। बैठक के बाद फडणवीस ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद तरह तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। इस मुलाकात पर अब शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया है। राउत ने कहा कि पवार साहब की तबीयत ठीक नहीं है, फडणवीस उनका हाल जानने गए थे। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की कोई संभावना नहीं है। क्या है लोटस ऑपरेशन, भूल जाइए आप। ऑपरेशन लोटस ना बंगाल में होगा ना महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के एक सीएम है। आज जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और पवार साहब इस देश के सबसे बड़े नेता है महाराष्ट्र के, तो है उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। तो मैं मानता हूँ ये कर्टसी विजिट है, उससे कोई राजनीतिक माहौल गरमाएगा या भूल जाइए। जरूर पवार साहब ने रवनीत साहब को मार्गदर्शन किया होगा कि इस हालात में जो संकट की घड़ी है महामारी की, उसमें विरोधी दल ने किस प्रकार से अपनी भूमिका लेनी चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, सरकार के साथ किस प्रकार से कोऑपरेशन करना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ये जरूर पवार साहब ने उनको गाइड किया होगा। जो बातें संजय राउत ने कही वही दलीलें एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी दी और मीटिंग को एक शिष्टाचार भेंट बताया। कल देवेंद्र जी की भेंट एक सदिच्छा भेंट थी, तबीयत की जानकारी लेने के लिए वो मिलने आए थे, उससे अधिक कुछ नहीं। महाराष्ट्र के अपना एक कल्चर है, महाराष्ट्र में पक्ष विपक्ष कभी भी दुश्मन की तरह काम नहीं करता, व्यक्तिगत रिश्ते बने रहते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते, व्यक्तिगत मुलाकातें राजनीतिक कारणों से होती हैं। अगर ऐसा कोई उसका अर्थ निकालता है तो हमें लगता है वो गलत है। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे वैक्सीन पर कौन फैला रहा है डर। गांव गांव में इंडिया टीवी के एक्सक्लूसिव पड़ताल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।